कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुर्सलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह وعلى آلك واصحابك يا نور الله। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल एक बार फिर आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत की गमखारी के मुकद्दस जज्बे के तहत मदनी चैनल के सिलसिले रूहानी इलाज और इस्तिखारा में हाज़िर हैं। आपको भी इस सिलसिले में मरहबा कहते हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल इस सिलसिले में हम मौसूल होने वाली आपकी फ़ोन कॉल्स और उनके जवाबात कुरानी आयात हदीस तय्यबात अक़वाल बुज़ुर्गान दीन रहिमहुल्लाह मुबीन और 15वीं सदी की अज़ीम इल्म और रूहानी शख्सियत मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इलियास तार क़ादरी रसवी सियाई दामत बरकातुल आलिया के अता करदा रूहानी इलाज ताबीदात अत्तारिया और औराद अत्तारिया की रोशनी में पेश करने की हम सई करते हैं, कोशिश करते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह ना करे अगर किसी भी हवाले से परेशानी का सामना है, बीमारी है, कर्ज़दारी है, किसी भी आजमाइश में मुब्तला है, मुसीबत में मुब्तला है, तो परेशानियों से नजात के लिए, मुसीबतों से हिफाजत के लिए आप रूहानी इलाज मालूम कर सकते हैं। और अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि मामला मेरे हक़ में बेहतर है या नहीं, मैं इस काम की इब्तिदा करूँ ना करूँ, ये मामला मेरे हक़ में कैसा रहेगा, आइए मदनी चैनल के नाज़रीन आपके कॉल्स की तरफ बढ़ने से कबल दुरूद पाक की फ़ज़ीलत हम सुन लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करो, अल्लाह ताला तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिले की इब्तिदा में एक अल्हम्दुलिल्लाह सवजल ऐसा रूहानी इलाज बयान किया जाता है जो अमूमी तौर पर हमारे तमाम ही मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए होता है, बाकी फिर उसके बाद कॉल्स का सिलसिला होता है, अपने अपने रूहानी इलाज अपने अपने मसाइल के हल के लिए रूहानी इलाज मालूम करते हैं। लेकिन इब्तिदा में एक ख़ास ऐसे मर्ज़ के बारे में रूहानी इलाज बयान किया जाता है, ऐसी बीमारी के बारे में रूहानी इलाज बयान किया जाता है जो अमूमी तौर पर हमारे तमाम ही मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए होता। आज जिस ख़ास मर्ज़ के बारे में रूहानी इलाज बयान करने जा रहे हैं, इस मर्ज में कई लोग मुब्तला होते हैं, कई लोगों को शिकायत होती है, बड़ी उम्र का हो, बच्चा हो, नौजवान हो, अच्छा इस्लामी बहनें हो, उनके साथ भी इस तरह का मामला रहता है। और वो है सर के बालों का गिरना, बालों का सफ़ेद हो जाना, गंजपन हो जाना, जो हमारी बड़ी उम्र के इस्लामी भाई हैं तो कई के दाढ़ी के बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं, बाल कमज़ोर हो जाते हैं। तो आज इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इस हवाले से हम आपको रूहानी इलाज आज बयान करेंगे। अपने साथ डायरी और कलम ये जल्दी जल्दी रख लीजिए। अगर आपके साथ ये मामला है तो आप ख़ुद भी इस रूहानी इलाज पर अमल फरमाइएगा। अगर आपके घर में किसी के साथ या आपके जानने वालों में से किसी के साथ ये बीमारी हो कि सर के बाल गिरते हों, बाल कमज़ोर हो चुके हों, खुश्की हो चुकी हो या बाल कमजोर हो चुके हो, गंजपन का मामला हो, तो इस रूहानी इलाज पर अमल फरमाइएगा। तो आइए सुनते हैं बालों के गिरने से महफूज रहने का रूहानी इलाज। जी इस हवाले से रूहानी इलाज भी इरशाद फरमाएं। अच्छा, इब्तदान रूहानी इलाज से कबल इसकी चंद एक वजूहात इरशाद फरमाएं कि वजह क्या होती है कि बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बाल कमज़ोर हो जाते हैं, बाल ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इस हवाले से चंद एक इसकी वजूहात बयान फरमाएं, फिर उसके बाद इसका कोई रूहानी इलाज दुरुस्त फरमाया आपने कि कोई भी मर्ज़ होता है उसके कुछ ना कुछ असबाब होते हैं। सही, यानी कि अगर किसी का सर भी दर्द होता है तो उसके कुछ सबब होते हैं। सही, तो इसी तरह मतलब ही कि जो ये बालों का गिरना, ये अमूमन तो इस्लामी बहनों यानी औरतों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और वो ये अपने बालों के पीछे भी बहुत ज़्यादा पड़ी रहती हैं। हर वक्त मकसद ये कि वो बालों के लिए मतलब कि बनाव सिंगार इनका मतलब जमा रहता है। अच्छा, तो ये आओ ना ताओ देखती हैं और फिर मतलब कि कोई आने वाला आया, मेहमान आया या पड़ोसी आया, जो भी आया, जैसे इस्लामी बहनी हो, तो उनके सामने बाल खोलकर मतलब कि कंघी चोटी करने बैठ जाती हैं, तो इस तरह ही बालों को नज़र भी लग जाती है। अच्छा, बालों को भी नज़र जी बसा होगा, जैसे होते हैं ना कि बाल घने होते हैं, खूबसूरत होते हैं, तो फिर हर औरत के इस तरह बाल नहीं होते, जो जिनके घने बाल होते हैं
और लंबे बाल होते हैं तो उसको मतलब औरतों में एक खुसूसियत होती है ना। अच्छा, नजर का आपने फरमाया तो बालों की भी नजर उतारी जाती है। जी, बालों की तो ये पूरी उंगली की नजर उतारी जाएगी, बच्चों को नजर लग जाती है, बड़ों को नजरें बद लग जाती है, तो अमूमन इसके टोटके हैं, कुछ तरीकाकार है कि इस अंदाज से नजर उतार ली जाए। तो बालों को अगर नजर लग जाए तो इससे नजर उतारने का तरीका, जैसे कि बालों पे नजर लगना तो ये एक वजूद के साथ ही शामिल हुआ ना, क्योंकि एक मतलब एक इंसान के जिस्म का हिस्सा ही है बाल भी, एक मतलब एक खूबसूरती की एक कुदरत की एक निशानियों में से है कि इंसान उसे एक नुमाया नजर आता है। इस तरह जैसे कि औरतों को बालों से जीनत दी गई और मर्दों को दाढ़ियों से जीनत दी गई, तो इस तरह मर्द दाढ़ी से खूबसूरत लगते हैं, औरतें मतलब कि अगर औरतें अगर मर्दों की तरह बाल रखेंगी तो खूब मतलब उनकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह मतलब ये कि इसके असबाब से भी बचें, इस तरह मतलब कि दूसरों के सामने बाल खोलने से भी बचें, और दूसरा ये कि बिला वजह का टेंशन पाल लेती हैं। अच्छा, एक तो और मौसम की तब्दीली की वजह से भी बाल गिरते हैं। अच्छा, आप उमूमन ये देख लें कि जो हमारे ये आखिरी के जो साल के अय्याम होते हैं ना, ईसवी साल, अच्छा, तो ईसवी साल के मुताबिक जो हमारे आखिरी के अय्याम होते हैं जिसमें गर्मी और सर्दी का मौसम मिक्स हो जाता है। अच्छा, तो इसमें उमूमन ये शिकायत है कि मतलब ये कि चंद एक से मतलब इस सिलसिले में बात हुई थी कि भाई ये बालों का गिरना और ये, तो उन्होंने बताया कि ये जो है मौसम का भी इफेक्ट होता है। अच्छा, जिसकी वजह से बाल गिरते हैं तो उसमें एहतियातें की जाती हैं, बालों में तेल ज़्यादा लगाया जाता है ताकि मतलब ये कि बाल ज़्यादा गीले रहेंगे, उसमें तरी रहेगी तो वो टूटेंगे नहीं। तो ये होता है कि उमूमन देख लें कि खुश्की ज़्यादा हो जाती है, हमारे यहाँ बाबुल मदीना का जो मौसम है वो एक सा नहीं रहता। जी जी, मतलब सुबह कुछ और हो जाता है, शाम को कुछ और हो जाता है। माशाल्लाह, तो इस तरह मतलब ये कैल्शियम की कमी की वजह से भी हो जाता है, तो बहुत सारे ऐसे असबाब हैं। दिमाग की कमजोरी की वजह से भी ये असबाब हो सकते हैं। जी जी, चले माशाल्लाह, चंद एक वजूहत आपने बयान फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपने असबाब सुन लिए होंगे, इन चीज़ों से बचने की भी कोशिश करें ताकि बाल भी मजबूत रहें। आइए रूहानी इलाज हम मालूम करते हैं। जी, इसका कोई मेरे शेख तरीकत अमीर सुन्नत का बहुत ही प्यारा चला बीमार आबिद, इसमें ये इलाज लिखा हुआ है। जी, बावजू हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरतुल लैल जो कि तीसवें पारे में है, 41 बार पढ़कर सरसों या नारियल के तेल की बोतल पर दम कर लीजिए। रोजाना सोते वक्त सर पर इस तेल की मालिश कीजिए। कुछ दिन मालिश करने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सर के बाल जड़ना बंद हो जाएंगे। माशाल्लाह, क्या बात है, सुभानअल्लाह। तो यकीनन मदनी चैनल के नाज़रीन समाअत फरमा लिया होगा, सूरतुल लैल ये कुरान पाक के तीसवें पारे में है। सूरतुल लैल 41 बार पढ़कर सरसों के तेल पर या नारियल के तेल पर आप दम करके रख लें। अच्छा, फिर रात को सोने से पहले ये सर में तेल लगाएं, अच्छी तरह मालिश करें, रोज़ाना इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शिफा हासिल होगी, सर के बाल गिरना बंद हो जाएंगे। ज़हे नसीब सर में तेल लगाने से कबल भी अच्छी अच्छी नियतें कर लें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर लगाऊंगा, सुन्नत के मुताबिक लगाऊंगा, और सर में चूंकि तेल लगाना भी सुन्नत है, सुन्नत की नियत से लगाएं तो आपको सर में तेल लगाने का सवाब भी मिलेगा, अच्छी अच्छी नियतों पर भी सवाब हासिल होगा, और ज़िमनन आपके बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे। अच्छा, अगर किसी के दाढ़ी के बाल गिरते हों तो उसके लिए भी यही रूहानी इलाज, ये भी यही अमल मतलब साबित होगा इंशाअल्लाह। सही, माशाअल्लाह। तो इसके मुताबिक अमल कीजिए। मदनी चैनल के नाज़रीन, शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की, अल्लाह की रहमत से जरूर फायदा हासिल होगा। आइए बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की जानिब, कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम है मोहम्मद शुएब सक्की और वालदा का नाम है अजरा भी। मतलब ये है कि प्रॉब्लम आ रही है, जो भी काम कर रहे हैं मैं उसमें कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, आए दिन जो है मैं मकरूज हो रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही है कि क्या मसला है मेरे साथ। अल्लाह ताला खैर फरमाए, नाम भी बताया, वालदा का नाम भी बताया, इस्तिखारे के हवाले से शायद इन्होंने कॉल्स किए। जी शुएब भाई, आपका इस्तिखारा करके अभी हम आपको बताते हैं कि क्या मामलात हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। फतेहुल्लाह बेरेकुल खान से बात कर रहा हूँ। मैं पहले डिलीवरी करते था, अब कारोबार की नीयत है, इस्तिखारा मैं कराना चाहता हूँ। सही, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका भी इस्तिखारा करके अभी हम आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम है मोहम्मद हाशिम और वालदा का नाम है जैतून बीबी, और मेरा मसला ये है मेरे काम में बहुत रुकावटें आ रही हैं, समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए, इस काम को भी हाथ लगाता हूँ वो भी नीचे जा रहा है, समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। मायूस क्यों होते हैं आप हाशिम भाई, कोशिश करें, एक दफ़ा रुकावट आ गई फिर दोबारा कोशिश करें, अल्लाह की रहमत पर कामिल भरोसा रखें, अपना एतिकाद मजबूत रखें, यकीन कामिल रखें, अल्लाह की रहमत से फ़ायदा हासिल होगा, रूहानी इलाज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अभी हम आपको इस हवाले से बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद हसीब अत्तारी है, मैं बाखारपुर टामे वाली से बात कर रहा हूँ। मेरा एक मसला है कि मैं हाफिज़े कुरान पढ़ रहा हूँ
और सबक यंते याद नहीं होता, हाफिजा कमजोर है, बराए करम रूहानी इलाज अता फरमा दीजिए। दूसरा मसला ये है कि मुझे कम सुनता है कानों में, इसके लिए कोई रूहानी इलाज अता फरमा दीजिए कि कानों ठीक हो जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि वबरकातु। अल्लाह तबारक व तआला आपके हाफ़िज़े को भी मज़बूत फरमाए और आपकी समाअत सुनने की जो ताकत है उसको भी तेज़ फरमा दें इंशाअल्लाह। सवजल दोनों ही हवाले से रूहानी इलाज अभी हम आपको बताते हैं। एक कॉल और दे दीजिएगा। मेरा नाम अमन जवी है और मेरी वालदा का नाम जो है ना बीबी खान साहब है, और हमारे घर में कोई भी जो है ना काम ठीक नहीं हो रहे और कारोबार भी सही नहीं चल रहा है, इसके बारे में सहारा करके बताएं। घर में परेशानियां हैं, काम सही नहीं चल रहा, अमीन नाम इन्होंने बताया। अल्लाह ताला खैर फरमाए इंशाअल्लाह। सवजल आपका भी इस्तिखारा करके रूहानी इलाज बताते हैं, बढ़ते हैं रूहानी इलाज की जानिब। कुछ कॉल्स थी रूहानी इलाज के हवाले से, इस दौरान इंशाअल्लाह सवजल इस्तिखारों का सिलसिला होगा। आइए कुछ रूहानी इलाज हम मालूम करते हैं। हमारे हाशिम भाई की कॉल थी, इन्होंने कहा कि कामों में इनकी रुकावटें आ रही हैं, इनको समझ नहीं आता क्या करें, काफ़ी मायूस से नज़र आ रहे थे। रूहानी इलाज के इनके रुकावटें दूर हो, काम में इनकी जो रुकावटें आ जाती जी जी। उसके लिए एक बड़ा प्यारा वजीफा है, या मुअख्खिरु 100 बार अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए रोज़ाना। ये 100 बार पढ़िए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, इसकी बरकत से कामों की जो भी रुकावट है वो दूर होगी और सब काम आपके पूरे होंगे माशाल्लाह। तो ये रूहानी इलाज आपने समाअत फरमा लिया, इसके मुताबिक अमल फरमाइए। और वो असबाब वो वजूहात के जिनकी वजह से कामों में आपकी रुकावटें आ रही हैं, तो आप उन असबाब को भी दूर करने की कोशिश कीजिए, उन चीज़ों को भी दूर करने की कोशिश कीजिए। ज़ाहरी सूरत हाल पर भी गौर फिक्र फरमा लीजिए कि किस वजह से जो है ना काम आपके पूरे नहीं हो पा रहे। और मज़ीद मेरा आपको मदनी मशवरा यह है कि आप फ़राइज़ की पाबंदी कीजिए, करते हों, और मज़ीद यह कि अपना सदका भी वक्तन फवक्तन निकालते रहा कीजिए। अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल खूब बरकतें हासिल होंगी। इसके बाद हसीब भाई की कॉल थी, ये कह रहे हैं कि मैं हिफ्ज कर रहा हूँ, हाफिला मज़बूत हो जाए, जहन तेज़ हो जाए, जो सबक मैं याद करूँ वो मुझे याद हो जाए जल्दी। इस हवाले से भी रूहानी इलाज और इनकी कुव्वत समाअत भी कमज़ोर है कुछ ना, दोनों ही हवाले से रूहानी इलाज। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत की माया नाज किताब मदनी पंसूरा के सफ़ा नंबर 4 पर आपने एक बड़ा प्यारा रूहानी इलाज तहरीर फरमाया है। कुंद जहन अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 बार अव्वल व आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ पढ़ कर पानी पर दम करके पी ले तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसका हाफिज़ा मज़बूत हो जाए और जो बात सुने उसे याद रहे। अच्छा, उसके अलावा इन्होंने कहा कि कान कितने दिन तक ये अमल जारी रखे हैं, ये इसमें पानी मिलाते रहें। अच्छा, मिलाते रहें। 786 दफ़ा जो इन्होंने पढ़ के दम किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अव्वल आखिर एक एक बार दुरूद पाक पढ़कर, तो वो जो पानी बोतल में एक पानी बना लें और उसमें मजीद बढ़ाते रहें। सही। और ये कम से कम वैसे तो बेहतर यही है कि 40 दिन उस पानी को ये पिए। अच्छा, ये खुद ही पिए, कोई दूसरा भी पी सकता है? हाँ, अगर किसी के हाफजे में कमजोरी है, घर में मजीद ऐसे लोग हैं कि जिनका हाफजा कमजोर हो, याद नहीं रहता हो, तो वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही बरकतें हासिल करने के लिए कि दम किया हुआ पानी है माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बड़ी प्यारी इसकी बात। अच्छा, ये इनकी कुव्वत समाअत भी कमजोर है, सुनते कम है, इस हवाले से भी कुछ इशारा। इसके लिए मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत का बड़ा प्यारा रिसाला बीमार आबिद जी, उसमें आपने एक कान के इलाज के लिए रूहानी इलाज आपने तहरीर फरमाया, या समीओ 21 बार अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ कर मरीज के दोनों कानों में फूक मार दीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कानों का जो मर्ज है वो इंशाल्लाह जाता रहे। अच्छा, ये तो कानों में तो कोई दूसरा ही फूंक मार सकेगा, अब बिल्फर्ज कोई दूसरा नहीं मिलता, अब खुद ने अमल करना है तो कैसे करें। लाजिम बात है, कोई ना कोई इंसान का अच्छा दोस्त होता ही है जी। अगर ऐसा नहीं है तो मस्जिद के इमाम साहब होते हैं, मौज़िन साहब होते हैं। अच्छा, तो उनके पास चले जाए और उनसे वो अर्ज करें कि ये अमल करने पर इतिकाद ज्यादा मतलब जमता हो, नेक है नेक तो इसे में काम करें, वजीफा पढ़ के हाथ ये नमाजी हो, नमाजी होना ये शर्त है। अच्छा, नमाजी होना, नमाजी होना शर्त है, ये चले माशाल्लाह। नमाजी होना दम करने वाले के लिए भी ज़रूरी है और ख़ुद का नमाजी होना भी ज़रूरी है, दोनों ही का ज़रूरी है। देखिए मदनी चैनल के नाज़रीन, जितने भी रूहानी इलाज वज़ाइफ़ बयान किए जाते हैं ना,
तो ये नमाज की पाबंदी के साथ ही मशरूत हैं। नमाज की पाबंदी हो, फ़राइज़ की पाबंदी हो, फिर साथ साथ इन रूहानी इलाज पर अमल होता रहे। मज़ीद आप अपने तबीब से भी मशवरा करते रहा कीजिए, डॉक्टरी इलाज भी आप जारी रखिए, साथ साथ रूहानी इलाज का भी सिलसिला चलता रहे, दुआएँ भी होती रहें, अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह सबजन करम होगा। अच्छा, बढ़ते हैं इस्तिखारों के जवाबात की जानिब। माशाअल्लाह इस्तिखारों के हवाले से भी कुछ कॉल्स मौसूल हुई थी, इस्तिखारे आपने फरमाए। इब्तिदा में शुएब भाई की कॉल थी जी। इसी तरह शुएब भाई और हमारे ये हाशिम भाई थे और एक अमीन भाई थे, इन तीनों का तकरीबन एक तरह का मामला था, रोज़गार की इनको परेशानी थी जी। तो इन तीनों के लिए मतलब कि एक वजीफ़ा पेशे खिदमत है जी कि अच्छा पहले इस्तिखारा आपने फरमाया, तो क्या मामलात आ रहे हैं, क्या जादू के मामला ऐसे ना अभी कि इनके मामला ऐसे ना, क्योंकि इन्होंने कहा कि काम नहीं चल रहा, वैसा होगा वो शुरू में हमने जो बात की ना कि उसके असबाब पे गौर किया जाएगा। अभी के अल्लाह ना करे कि इनकी दुकान या इनके ऑफिस में गैर शरई को काम हो रहे हैं, वो गाने बाजे अगर चल रहे हैं, कोई वर्कर हैं या कोई किस्म की मतलब कोई भी मतलब के लोग वहाँ पे काम करने वाले हैं जी, जी। वो मतलब कि अपने मोबाइल के जरिए गाने बजा रहे हैं या सुन रहे हैं और उसको ये रोकते नहीं है, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि बेबरकती आनी ही आनी है। या अल्लाह ना करे कि अगर ये खुद भी इन चीज़ों में मुलविस हैं या घर उनकी ऑफिस और दुकानों में स्क्रीन लगी हुई है और तरह तरह की खुराफात उसमें चल रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि वहाँ पर रहमत के फरिश्ते आएंगे नहीं, शैतान आएगा, और जब शैतान आएगा तो फिर वहाँ पे बेबरकती हो जाएगी। तो यही है कि बस के ऐसे असबाब लाएं कि अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करने चाहिए। मुसलमान पैदा ही अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए हुआ है। इस्तिखारे में क्या आ रहा है जी? इस्तिखारे में तो कुदरती आजमाइश ही की तरफ इशारा है इनका। कुदरती आजमाइश से मुराद इसकी थोड़ी वजाहत फरमाएं जी। कुदरती आजमाइश यही कि इसको अगर हम लेने चाहें ना, तो बहुत सारे ऐसे मामला हो जाते हैं कि हम अपनी ज़ात पे यानी कि मैं अपने आप पर गौर करूँ कि मैं अल्लाह ताला की फरमा बरदारी कितनी करता हूँ, मैं हलाल रिज़्क़ के लिए जितनी जस्तजू करता हूँ, और अल्लाह ताला ने जो मुझ पर अहकामात सादिर फरमाए हैं, फ़राइज़ में से कितने कर लेता हूँ, वाजिबात में कितने अदा कर लेता हूँ, और इसी तरह मैं अपने दीगर मामलात में कहाँ तक शरीयत का ख्याल रखता हूँ, तो इन चीज़ों को गौर कर ले हर एक। मैं खुद गौर करूं, ये खुद गौर करें, इस तरह हर एक नफ्स अपने लिए गौर करें, तो फिर इंसान को खुद अपना आईना नजर आ जाएगा कि वाकई मेरी गलती कहाँ हो रही है। सही। तो ये कुदरती आजमाइश में बंदा यूं आ जाता है कि जब अल्लाह ताला की नाफरमानियां बढ़ जाती हैं तो फिर कुदरती आजमाइश की तरफ इशारा। चले इसका हल भी इरशाद फरमाए, रूहानी इलाज बयान फरमाए। ये ना घबराए, मायूस भी ना हो, क्योंकि अल्लाह की रहमत तो बहुत बड़ी है। सही। तो बात से तो मतलब बड़े से बड़ा गुनाह मुआफ हो जाता है। तो ये कि अगर इन चीजों की अगर अल्लाह ना करे ऐसी आदत है या कोई ऐसा मामला है तो उसको ये दुरुस्त कर ले, इंशाअल्लाह तौबा के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। सही है, तो इस तरह ये इनके लिए वजीफा है। पांचों नमाजें तो इन्हें पाबंदी के साथ पढ़नी है, बाद जमात अगर कोई उजर ना हो तो। अच्छा, इस तरह इन्हें जो या बासी तो 100 बार, या बासी तो 100 बार नमाज चाश्त के बाद पढ़नी है। ये नमाज चाश्त, अब इसका भी वक्त बताना होगा कि जब ये कि फजर की नमाज अदा कर लेंगे, फजर की नमाज का जो वक्त जो खत्म होता है इसके 20 मिनट के बाद तुलू आफ्ताब के वक्त इशराक और चाश की नमाज अदा की जाती है। उस वक्त ये पढ़ना होगा, जब फजर की नमाज पढ़ें तो 20-25 मिनट ये मस्जिद में बैठ जाएं अल्लाह के जिक्र के लिए, जिस तरह दुकान पे 9-10 घंटे बैठते हैं, इस तरह ये बैठ जाएं और 100 मरतबा या बासितु नमाज चाश के बाद पढ़ें, अल्लाह ताला इनके गैब से मदद फरमाए माशाल्लाह। तो यकीनन आपने समाज फरमा लिया होगा, नमाज चाश ये वो अमल है कि जो नमाज चाश पढ़ने का आदि होगा तो कभी तंगदस्त वो नहीं होगा, यानी नमाज चाश पढ़ने वाला और तंगदस्ती ये दोनों चीज़ें जमा नहीं हो सकती। तो बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक अमल कीजिएगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हकीकत हाल अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है, और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म गैब हासिल नहीं होते। बढ़ते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन। अच्छा, तो इन्हें ड्राइविंग कर रहे थे जी जी, तो अब इनके लिए कारोबार करना बेहतर तो आ रहा है। अब ये कि ये नहीं मालूम कि इन्होंने वजात नहीं की ड्राइविंग या अपनी गाड़ी चला रहे हैं या मतलब किसी और की गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा। तो बहरहाल इनका कारोबार करना दुरुस्त है, तमाम शरीयत का ख्याल रखें, किसी से कर्ज उल्टा सीधा ना लें, और अपनी ही जितनी कैपिटल है उससे ये काम शुरू करें, इंशाअल्लाह बरकत होगी माशाअल्लाह। शराई तकादों को पूरा करते हुए आप अपने काम की इब्तिदा बिल्कुल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह सबजन करम होगा, कामयाबी नसीब होगी। मजीद कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल अत्तारी है और मेरी वालदा का नाम कौसर बीबी है। मैं शहर फीवा चार्ज कर रहा हूँ। हमारे घर में काफ़ी परेशानियाँ हैं, मैंने इस्तखारा करवाना है, ब्राय मेहरबानी इस्तखारा करके कुछ रूहानी इलाज भी अनायत फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, अल्लाह आपकी परेशानी दूर फरमाएं। अगली कॉल चला दीजिएगा।
चले बुखार से हिफाजत का रूहानी इलाज इंशाअल्लाह सवजल अभी आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद सलमान है, वालदा का नाम फरीदा बाना है। लेकिन 3-4 साल से जो है ना परेशानी में हूँ, और कोई भी मतलब बीच में काम वगैरह दुकान वगैरह करी थी उसमें भी काफी नुकसान वगैरह, और अभी भी जो है ना मतलब के कर्जे में डूबे जा रहा हूँ। अल्लाह खैर फरमाए, बारे कर से आपको खुलासी अता फरमाए सलमान भाई इंशाअल्लाह सवजल। अभी हम आपको रूहानी इलाज बताते हैं, अगली कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद सिराज है और मेरी वालदा का नाम हसीना बीबी है। मेरा मसला ये था कि मैं कारोबार मेरा अपना कारोबार में करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आती पैसा की, मैम पैसों की समझ नहीं आती, शायद आमदनी में बरकत नहीं होगी। अल्लाह खैर फरमाए, आपके रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमाए। एक कॉल और दे दीजिए। मुख्तार अहमद वालदा तस्लिम अख्तर लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरा मसला ये है कि मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही और बीमार रहता हूँ, तो मेहरबानी करके बता दीजिए कि क्या मसला है, उसका क्या हाल है। इंशाअल्लाह सवजल, जॉब नहीं मिल रही और बीमार भी रहते हैं। नाम मुख्तार अहमद समझ आए। अच्छा बढ़ते हैं रूहानी इलाज की जानिब। जी रूहानी इलाज बुखार से हिफाजत का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने बीमार आबिद में एक बड़ा प्यारा रूहानी इलाज तहरीर फरमाया है। ला इलाहा इल्लल्लाहु 30 बार कागज़ पर लिखकर पानी की बोतल में डालकर मरीज़ को दिन में 3 बार थोड़ा थोड़ा पानी पिलाइए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बुखार उतर जाएगा। ज़रूरतन मज़ीद पानी शामिल करते रहिए। सही। अच्छा इसके बाद सलमान भाई की कौल थी, 3-4 साल से परेशानियाँ हैं, नुकसान भी हो रहा है, बारे कर्ज तले दबे हैं, इनके लिए कोई ऐसा रूहानी इलाज बताएं ना कि इनकी तमाम ही परेशानियाँ दूर हो जाएं। सबसे बड़ी जो इनकी परेशानी है वो है कर्ज, कर्ज तले जो दबे हुए हैं। जी जी। तो उसके लिए एक बड़ा प्यारा अमल है। सबसे पहली तो मेरी मदनी इल्तजा है कि आप नमाजों की पाबंदी फरमाएं, और हो सके तो हर माह 3 दिन मदनी काफ़िले की भी नियत फरमा लें। और एक बड़ा प्यारा अमल आपके लिए पेश कर रहा हूँ, कर्ज़ा उतारने का वजीफ़ा। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा क़फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। ये हर नमाज के बाद 11-11 बार पढ़ने की आदत बना लीजिए, और सुबह और शाम 100-100 बार इस दुआ को पढ़िए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर पहाड़ के बराबर भी कर्जा होगा तो अल्लाह की रहमत से अदा हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ऐसे असबाब पैदा हो जाएंगे कि आपका सारा कर्जा उतर जाएगा। ये जो आपको वजीफ़ा बताया गया मदनी पंसूरा में लिखा है, अभी आपको ये दुआ याद ना हो सकी हो, वजीफ़ा याद ना हुआ हो, तो मदनी पंसूरा मकतबतुल मदीना से आप तलब फरमा लीजिए, इसमें यह वजीफ़ा लिखा हुआ है। अच्छा इस्तिखारों के हवाले से भी कुछ कॉल्स मौसूल हुई थी। इब्तदान हमारे मुज़म्मिल भाई की कॉल थी, घर में इनकी परेशानियाँ हैं और इस हवाले से इस्तिखारे का कहा था इन्होंने, क्या मामलात हैं इस्तिखारे में, क्या इशारा आ रहे हैं? इनके जो घर की परेशानियां और दीगर मामलात हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इन पर अपना खुसूसी कलम फरमाए, और इनके लिए वजीफ़ा भी पेश खिदमत है। या सलामों, ये घर के लोग सारे बैठ कर वजीफ़े के तौर पर पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये इनकी परेशानियाँ और रोज़गार के मामला भी हल होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। यकीनन आपने इस्तिखारे का जवाब भी समाप्त फरमा लिया होगा। मदनी चैनल के नाज़रीन आखिर में एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए, बिलखसूस हमारे वो इस्लामी भाई जिनके इस्तिखारे किए गए, हकीकत हाल अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानने वाला है, और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म ग़ैब हासिल नहीं होता। और हमारे परेशान हाल इस्लामी भाइयों को चाहिए कि दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में सफ़र करके दुआएं करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह की रहमत से परेशानियां भी दूर होंगी, हमारी दुआएं भी कबूल होंगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी आज की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाएँ। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसूर मजबूर की।